हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल निधि मॉम एंड फूड। और आज हम बनाएंगे काले चने की ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी जिसे देख के ही मुंह में पानी आ जाए। तो इसके लिए मैंने ये 100 ग्राम चने 4 घंटे पहले भिगो के रखे थे। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हो, बट मैंने 4 घंटे भिगो के रखा है। तो अभी मैं इसे बॉईल करूँगी। तो इसे मैंने अच्छे से धोकर ले लिया था, तो ये पानी में डाल दूंगी सीधा कुकर में। तो अभी थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। तो इसमें मैंने ये थोड़ा 3-4 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आएंगे। और ये एक सीक्रेट ट्रिक है कि आप इसमें एक पिंच चाय पत्ती डाल देना। आप चाहो तो इसे कपड़े में बांध के भी डाल सकते हो, जो पोटली आप बाद में निकाल के साइड कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और एक टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ। अगर आपके चने अच्छे से नहीं भीगे हैं तो इस टाइम आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, ताकि चने अच्छे से जल्दी पक जाए। पर ये चने अच्छे से भीग चुके हैं, तो मैं इसे अभी पकने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं, हमें मसाला देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा वाला टमाटर काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और 2 लाल मिर्च ले ली है और जीरा ले लिया है। तो अभी मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, ढक्कन से ढक दूंगी। तभी जब जीरा अच्छे से चटक चुका है, तो इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया है गरम, जो खड़ा मसाला आता है, और ये जो मैंने लहसुन छील के लिया था उसकी कलियाँ डाल दूंगी। ये अदरक के बारीक बारीक कटे हुए टुकड़े हैं और 2 हरी मिर्च है और ये साबुत धनिया। अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये 2 प्याज लिए थे कट करके, उसको डाल देंगे। प्याज आपको बड़ा बड़ा ही काट लेना है, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है। तो अभी मैंने टमाटर भी डाल दिया है, आप देख रहे हो टमाटर को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही काटा है, क्योंकि तो इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हमें पकने देना है। तो इसके लिए हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले चने में भी मिलाया था और बाद में भी अभी मिलाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा मिलाना है, ताकि ये जल्दी से पक जाए। और इसमें हमने थोड़ा पानी मिला दिया है, 1/2 गिलास, और इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि अच्छे से ये पक जाए। और हमारे चने बॉईल हो चुके थे, तो वो मैंने निकाल दिए है डब्बे में। और ये मसाला भी जो हम बनाने वाले हैं, इसके लिए ये प्याज और टमाटर का जो हमने बनाया है मिक्सचर, वो भी रेडी है। तो इसे अभी हम जार में डाल देंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे हम। तो अभी हमने कढ़ाई को रख दिया है गरम करने के लिए और थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है। आप चाहो तो ज़्यादा तेल भी ना डाल सकते हो, पर मैंने कम तेल डाला है। अभी इसमें साबुत धनिया और जीरा डाल देंगे, ये तेज पत्ता डाल देंगे, और ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं जो हमने कुकर में डाले थे चने बॉईल करते टाइम, वही मैंने डाल दिए हैं। और अभी जो ये हमने पेस्ट बनाई थी अदरक लहसुन टमाटर और प्याज की, उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये जो सब्ज़ी है ग्रेवी वाली, वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो आप देख रहे हो अभी इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम 1 पिंच या 2 पिंच हल्दी मिलाएंगे और नमक हम थोड़ा सा ही मिलाएंगे,
क्योंकि पहले दो बार हम नमक थोड़ा थोड़ा मिला चुके हैं। तो ये मैंने गरम मसाला, चाट मसाला और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल वाली मिर्च मिला दी है। मैंने लाल वाली कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। अभी सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर और ऐसे ही पकने देंगे। इसको आपको ऐसे चम्मच से हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं। तो अभी हमने जो चने रखे थे कुकर में से निकाल कर वो इसमें डाल देंगे, और जो पानी है चनों का वो हमें फेंकना नहीं है, वो हम इसी में डाल देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आए। तो अभी इसको आप देख रहे हो हाई फ्लेम पर हम पकने देंगे। तो आप देख रहे हो इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि हमारे चने बहुत अच्छे से पक रहे हैं, यानी कि उबल रहे हैं। हमारी ग्रेवी वाली सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। आप चाहो तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हो और रोटी पराठे के भी साथ खा सकते हो। तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी है। तो हम इस पर डाल देंगे हरा धनिया। तो इसे अभी हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। अभी ये सब्ज़ी हमारी बहुत गर्म है, तो एकदम गाढ़ी गाढ़ी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनी है हमारी। तब इसमें और थोड़ा सा ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे, और ये दो पीसीस हमने प्याज के रख दिए हैं। अभी दो हरी मिर्च रख देते हैं और एक नींबू का पीस रख देंगे कट करके। तो आप देख रहे हो हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल काले चने की सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देख रहे हो हमारी सब्ज़ी बहुत ही यम्मी सी बनी है। तो आप भी बनाना और मुझे बताना कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी है।